गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास फिफ्थ का जो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल्स पढ़े थे और डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, हम उसकी एक्सरसाइज वन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, अ, एन एंड द, उनको कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने लास्ट की वीडियो में आपको पढ़ाया है। आज हम उनका यूजेज देखेंगे। एक्सरसाइज वन है हमारे पास, पहला है नेवर टेल डैश लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, इसमें अ आएगा, एन आएगा या द आएगा? तो ये जो लाई वर्ड है यहाँ पर, इससे पहले ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वॉवल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। नेवर टेल अ लाई, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें क्या आएगा, अ एंड द, तो यहाँ पे वॉवल है तो यहाँ पे एन आएगा। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लड़की है। हरिद्वार इज डैश हॉली सिटी, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात होगी, वहाँ पे द लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द। हरिद्वार इज द हॉली सिटी। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, अब ऑल दो यहाँ पर यू है, और यू हमें पता है कि ये एक वोवल होता है, लेकिन यहाँ पे जो साउंड निकल रही है ये यू निकल रही है, और जब भी ऐसी साउंड होती है तो हम अ लिखते हैं, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ही विल रिटर्न आफ्टर डैश आर, अब यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, इस वजह से यहाँ पे जो साउंड निकल रही है वो वोवल की निकल रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन। He will return after an hour. वो एक घंटे में वापस आ जाएगा। He looks as stupid as old. वो old की तरह stupid है। तो old में यहाँ पे क्या है, vowel है O. तो यहाँ पे क्या लगेगा, an लगेगा। Vowel कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U. तो आपको ये vowels याद रखने हैं, राइट? यहाँ तक हमने कर दिया। अबे हमारे पास अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, तो यहाँ पे जो ये डब्ल्यू है ये कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, अ लगेगा। डैश सन इज शाइनिंग इन डैश स्काई, तो यहाँ पर सन की बात हो रही है, पर्टिकुलर यहाँ पे स्टार की बात हो रही है, तो द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। डैश गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर, तो गंगा इज पर्टिकुलर रिवर, तो यहाँ पे लगेगा द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। सैक्रेड में एस जो है वो वॉवल्स में नहीं आता है। हिज फादर इज नॉट डैश ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, और एच के बाद क्या है, वॉवल है, तो साउंड वॉवल की निकल रही है, इस वजह से हम यहाँ पर एन लगाएंगे। हिज फादर इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इसमें क्या लगेगा, द। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, किसी पर्टिकुलर रिवर के ही बारे में बात करें, क्योंकि एक ही रिवर जो होगी वो इंडिया में लॉन्गेस्ट होगी बाकी रिवर से, राइट? डैश इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, लाइन जो है वो पूरे फॉरेस्ट का राजा होता है। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज द बेस्ट बुक, एक पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारी एक्सरसाइज वन थी आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स में से। अब इसके बाद वाली अगली एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।